अस्सलाम वालेकुम, लेक्चर नंबर 2 इंग्लिश ग्रामर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, तो वन बाय वन हम अभी आपसे शेयर करेंगे। नाउन, नाउन डेफिनेशन। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड दैट रिफर्स टू थिंग और अ पर्सन प्लेस। नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है जो कि एक पर्सन एक प्लेस को रेफर करता है, जैसे कि एग्जाम्पल अली, राबिया, अहमद, जिसे हम इसम कहते हैं। आम तौर पे ये एक नाम के लिए यूज़ होता है, कॉमन नाउन है एक। नंबर 2 प्रोनाउन, अ वर्ड दैट कैन फंक्शन एज अ नाउन प्लेस बाय इटसेल्फ। एग्जांपल ही, शी, इट, यू, ज़मीर, जिसे हम ज़मीर कहते हैं। नंबर 3 वर्ब, अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन। एग्जांपल जेनिफर वॉक टू द स्टोर, जेनिफर वॉक करके स्टोर गए। तो ये वर्ड जो है वॉक, ये एक एक्शन हुआ, जैसे कि यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन। किसी एक्शन को डिस्क्राइब करे उसे हम वर्ब कहते हैं। कोई भी एक्शन, वॉक, कोई भी रनिंग, कोई भी एक्शन हो जिसे आप कहें, कहीं जा रहे हैं, मूव करके दूसरी जगह जा रहे हैं, तो उसे हम एज अ वर्ब कहते हैं। वो एक वर्ब हो गया, एक काम हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ और जो है वो पार्ट्स हैं वो शेयर करूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।